हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की। एजुकेशन की में आप लोगों का स्वागत है। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू मच थिंकिंग। आजकल क्या हो गया है कि पढ़ाई कम हो गया है और तो मतलब थिंकिंग है, द थिंकिंग प्रोसेस अमॉन्ग्स द स्टूडेंटों के बीच वो सबसे ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आफ्टर 2020 कोरोना के बाद तो ऐसा हुआ कि पढ़ाई तो एकदम डाइल्यूट हो चुका है एंड द पीपल आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट अप टू द मार्क। जो जिस लाइक है उस लाइक रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट हैपेंड यू नो, थिंकिंग टू मच इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ओके, और इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में ही इफेक्ट होता है। ठीक है, व्हाट एवर द थिंग्स गोइंग टू बी हैपन वो तो हो के ही रहेगा। देयर इज नो डाउट एट ऑल, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। द थिंग्स विच इज देयर इन योर हैंड यू हैव टू डू दैट। हमारे हाथ में जो है वही हमें करना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना एक चीज़, पास्ट इज द डेड थिंग। ओके, दैट स्मेल स्वीट, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। अगर पास्ट अगर आपका बहुत ही कष्ट भी मतलब कष्ट से भी निकला होगा ना, तो इन प्रेजेंट व्हाट हैपन, वी आर जस्ट गेटिंग द मीन्स, हम उसको अगर सोचेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, पास्ट ही हमारा अच्छा था। सो अगर हम कोई चीज़ के पीछे अगर एडहेयर हो जाते हैं ना, उसको हम लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। ओके, सो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर टू मच, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। वी हैव टू लिव इन आवर प्रेजेंट। ओके, हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, जस्ट मेक योर कंटिन्यूटी इन स्टडी। ओके, एंड ऑलवेज डू गुड फॉर द अदर्स। ओके, डू द गुड्स एंड गुड थिंग्स फॉर द अदर्स एंड कास्ट इट इन टू द रिवर। मतलब बोलता है ना, नेकी करो और दरिया में डाल दो, वही होना चाहिए। आप अगर किसी के प्रति अगर अच्छा काम करते हैं तो आप इन रिटर्न डोंट एक्सेप्ट डैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द गुड थिंग्स, उस मतलब वो भी आपके लिए अच्छा करे। सो डोंट थिंक लाइक दिस, वाट एवर द गुड थिंग आपसे जितना बनता है जस्ट डू इट एंड बोलता है ना, उसको दरिए में डाल दो। ओके, बिकॉज आज नहीं होता है, आज अगर आपने अच्छा किया है तो देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फ्रूट इमिडिएटली, यू विल गेट द फ्रूट आफ्टर लिटिल बिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए बोलता है मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, पढ़ाई ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, आई रियली नो इट्स, बिकॉज मैं जैसे अभी कर रहा हूँ तो मन नहीं लगता है, देन ऑल्सो आई एम जस्ट फोर्सफुली डूइंग दिस। सो आई रियली इंस्पायर्ड ऑल द स्टूडेंट, ओके, हु आर बीन फाइटिंग टू गेट समथिंग इन हिज लाइफ। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह कीजिए। आजकल न्यूटन के जो लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। डू यू नो द व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहा है तो इन रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट द मतलब बोलता है ना, अच्छा ही आपको भी मिल जाए उसी टाइम में। दैट इज़ नॉट ट्रू, बट इन फ्यूचर, बिकॉज नेचर में बहुत ताकत होता है, आपको इन फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा चीज़ मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, एंड डू समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स।